आप लोग जब वीडियोस देखते हो तो एक कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक करने में क्या दिक्कत है दोस्तों? इससे ये है कि मोटिवेट ही तो हूँगा मैं, और बाकी इससे कुछ रेवेन्यू नहीं आएगा, कुछ पैसा आने लगेगा, ठीक है? तो प्लीज़ मोटिवेट करिए और चैनल अपनी फैमिली हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल है दोस्तों? कपिल बुमराह नई वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम हैं प्रयागराज के छुकी स्टेशन पे, और छुकी स्टेशन नैनी स्टेशन से थोड़ा सा आगे पड़ता है, और यहाँ पे भी काफ़ी इंटरसिटी ट्रेन वगैरह रुकती हैं। काफ़ी बड़ा स्टेशन है दोस्तों प्रयागराज में, शायद 4 या 5 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर इंटरसिटी ट्रेन रुकती है, और बाहर की ट्रेनों का आवागमन यहाँ से होता है। तो उसी में से एक स्टेशन है छुकी स्टेशन, और नैनी भी स्टेशन है। मैं हो सकता है कवर करके वीडियो बना लूँ इसके लिए, और हो सकता है शायद ना भी बना पाऊँ। तो फिलहाल ये प्रयागराज का छुकी स्टेशन है दोस्तों, और काफ़ी खूबसूरत दोस्तों स्टेशन बना है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग में बना हुआ है ये। तो अभी इसका रेनोवेट का काम कंप्लीट हुआ है, कुछ काम इसमें पेंडिंग है, और मैं जैसा भी होता है मैं अंदर चल के आप लोगों का वीडियो दिखाता हूँ कि अंदर क्या सीन रहता है यहाँ का, ठीक है? तो चलते हैं, एक बार दिखाते हैं इस वीडियो में। और फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि पार्किंग वगैरह कुछ बाहर ऐसी दिखती है, आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है? ये ओपन पार्किंग है, यहाँ पे बाहर से आपसे चार्ज लिया जाता है, गाड़ी का शायद 40 रुपये है और बाइक का 20 रुपये है। तो जो भी चार्जेस हैं आप थोड़ी देर के लिए अपनी पार्किंग में यहाँ गाड़ियाँ लगा सकते हो, और जो भी आपके गेस्ट हैं उनको आप बिठा सकते हो या रिसीव कर सकते हो, ठीक है? तो ये छुकी स्टेशन है दोस्तों, चलते हैं अंदर का वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, वो शायद जो यूट्यूबर हो या जो बिगनर हैं उनको पता होगा कितनी मेहनत लगती है। चलते हैं, हम आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का कुछ सीन, चलिए। दोस्तों ये है छुकी स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और देख सकते हो आप यहाँ का क्या माहौल है। ट्रेनें वगैरह सब खड़ी हैं, और बाकी आगे भी हैं, 3-4 नंबर प्लेटफॉर्म आगे है, और 2 भी जस्ट बगल में ही है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। फिलहाल देख सकते हो आप कितनी भीड़ है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और ये कुछ ऐसा दिखता है भीड़ भाड़। काफ़ी लंबा है दोस्तों ये स्टेशन, और यहाँ पे स्टॉल्स भी हैं। स्टॉल आपको दिखाऊंगा, सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा, क्या रेट है आप पॉज करके देख सकते हो, क्या रेट खाना है, क्या रेट पानी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ। चलते हैं दोस्तों ऊपर, कुछ दिखाते हैं आपको ये आगे का क्या नज़ारा रहता है। ऐसा है, और ये है दोस्तों कुछ चलने का रो, और काफ़ी अच्छा है स्टेशन, देखने में भी अच्छा है, लेकिन गंदगी दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है धीरे से, और आगे भी बहुत कीचड़ है, आने में जाने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जो पैसेंजर हैं उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे। बाकी स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी हद तक साफ भी है और गंदा भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो साफ़ है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 ये गंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान बहुत कम दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कितना लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आगे भी रो है ताकि बाहर से लोग जिनको आना जाना है वो अपना आराम से आ जा सके, ठीक है? ये लाइन है दोस्तों कुछ, आप देख सकते हो कि जहाज स्टेशन की तरीके से बिल्कुल बना हुआ है। रेवोनेट का काम जो हुआ है वो आगे हुआ है ताकि बिल्डिंग दिखे बाहर, और बाकी उतना अच्छा कुछ है अंदर से स्टेशन नहीं, आप देख सकते हो खुद, ठीक है? यहाँ पे केयरिंग की ज़रूरत है, स्टाफ यहाँ पे जो है वो कम थोड़ा ध्यान देता है, तो ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए। और अच्छा स्टेशन है दोस्तों, बाहर का भी है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 है, और देखने में काफ़ी सुंदर है। तो देखने में तो बाहर तो बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, बाकी अंदर तो आप देख सकते हो ये दोस्तों एक्सेलेटर है, और जो दिक्कत जिसको है चढ़ने उतरने में वो अपना आराम से आ जा सकता है। अभी कंटिन्यू चल रहा है, अभी नया लगा है तो चल रहा है, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। तो आप एक बार विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा छुकी स्टेशन का। बाकी आपकी कोई ट्रेन है इंटरसिटी वगैरह, यहाँ से सारी ट्रेनें निकलती हैं, जो प्रयाग जंक्शन से ट्रेनें निकलती हैं वो सारी इधर से होते हुए निकलती हैं, क्योंकि ये रूट काफ़ी लंबा कवर करने वाला स्टेशन है। इधर आपको लंबे स्टेशन के मतलब लंबे टूर के लिए स्टेशन पे गाड़ियाँ यहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है? और यहाँ पे आरक्षण कार्यालय है जहाँ पे आपको टिकट वगैरह मिल सकता है, आप आसानी से टिकट ले लीजिए। और बाहर ये एग्जिट पॉइंट भी है, यहाँ से आप बाहर आ सकते हो, ठीक है? बाहर अभी यहाँ पे देखिए आप गिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, तो रेनोवेट का काम यहाँ पे चल रहा है, और देखने में आगे चल के, अभी नहीं आगे चल के हो सकता काफ़ी अच्छा बन जाए। तो देखते हैं आगे, फिर से एक बार वीडियो कवर करके आप लोगों को दिखा देंगे। तो वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये है कुछ प्रयागराज का छुकी स्टेशन,
जैसा भी था मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बाहर से बिल्डिंग इसकी काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, वीडियो ऐसी ही और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए आती रहेंगी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। एक कमेंट आपका बहुत मोटिवेट करता है मुझे, तो प्लीज़ कमेंट मस्ट रिकमेंडेड है, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप लोग जब वीडियोस देखते हो तो एक कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक करने में क्या दिक्कत है दोस्तों? इससे ये है कि मोटिवेट ही तो हूँगा मैं, और बाकी इससे कुछ रेवेन्यू नहीं आएगा, कुछ पैसा आने लगेगा, ठीक है? तो प्लीज़ मोटिवेट करिए और चैनल अपनी फैमिली को बढ़ाइए, और फैमिली ऐसे बढ़ रही है और भी इसको जल्दी तेज़ी से बढ़ाइए। जिसके भी आपके घर में जो भी फ़ोन है उन पर जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।